झाबुआ शहर की शान बहादुर सागर तालाब धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में लौटने लगा है। कुछ महीनों पहले तक जलकुंभी और जलीय वनस्पति ने पूरे तालाब को ढक रखा था। तालाब के पानी से बदबू आने लगी थी और तालाब के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था। लेकिन समय रहते जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, सामाजिक संस्थाएँ, धार्मिक संस्थाएँ, शासकीय कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और जागरूक जनता की सक्रियता और श्रमदान से तालाब अपने मूल स्वरूप में लौटने लगा है। सफाई को अभियान का रूप दिया गया, जिसकी मॉनिटरिंग खुद कलेक्टर सोमेश मिश्रा कर रहे थे। कलेक्टर ने भी श्रमदान कर लोगों को अभियान से जुड़ने का आह्वान किया और आज सभी की मेहनत का नतीजा है कि तालाब का पानी दूर दूर तक साफ दिखाई देने लगा है। अपने शहर की धरोहर को बचाने में सभी का सहयोग सराहनीय है। वार्ड एक के पार्षद पपीश पानेरी ने बताया कि तालाब की सफाई अभियान में सभी ने मिलकर श्रमदान किया, सभी बधाई के पात्र हैं। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा भी ठंड में दिन रात तालाब के पानी में उतरकर जलकुंभी और जलीय वनस्पतियों की सफाई की। सभी ने मिलकर साफ सफाई अभियान को सफल बनाया, सभी का कार्य सराहनीय रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, इसी तरह जनहित के कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें और झाबुआ शहर और ज़िले को सुंदर बनाने में अपनी सहभागिता दें। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जी बताइए कि तालाब की आधे से ज़्यादा सफाई हो चुकी है और बाकी थोड़ी बाकी है, इसके बारे में क्या योजना है? जी निश्चित तौर पे यह तालाब पूरी तरह से जलकुंभी से और जलीय पौधों से ढका हुआ था और इसको साफ़ करना एक बड़ी चुनौती थी। पूर्व में भी मेरे कार्यकाल में इसको दो बार सफाई तक ले जाया गया, सफाई की गई, लेकिन बीच अधूरे उसमें रह के और बीच बीच में गैप हो गई काम को लेके, तो ये फैलता गया वापस से। इस बार जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने अपनी अच्छी खासी रुचि दिखाई इसमें और पूरी तरह से सारे कार्यक्रम को और सारे कार्यों की समीक्षा टाइम टाइम पे करते रहे और मॉनिटरिंग करते रहे, जिसके कारण अपने अनुभव और अपने ज्ञान की कुशलता को साथ में रखते हुए उन्होंने कर्मचारियों को भी सही तरह से बताया काम करने के लिए और नगर पालिका प्रशासन भी मुस्तैदी से जुटा रहा और जो सफाई कर्मचारी थे वो रात दिन नहीं देखा उन्होंने और भरी ठंड में भी अंदर ट्यूब और लकड़ी के चट्टों के ऊपर बैठ के और आधे से ज़्यादा शरीर पूरा गीला होता रहा ठंड में और उन्होंने काम किया और लगभग ये 50% से 60% के बीच तालाब साफ हो चुका है और निरंतर ये काम चल रहा है। पहले हमारा आज़ाद गार्डन जो वाटिका है कॉलेज मार्ग पे वहाँ निकाला गया, उसके बाद में सर्किट हाउस के गेट पे निकाला गया और अभी ये पीछे सर्किट हाउस के पीछे के साइड में जेसीबी लगी हुई और काम चल रहा है और बहुत जल्द ही ये बचा हुआ जो 40% का भी काम है ये भी निरंतर कार्य चलता रहेगा और सभी के आपस में सामंजस्य और सहयोग से ये काम पूरा होगा और तालाब स्वच्छ और सुंदर बनेगा। और निश्चित तौर पर इसमें सारे विभागों की वो है, क्योंकि जितने भी सरकारी विभाग हैं वो कलेक्टर साहब के तारतम्य से इकट्ठे होकर और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार काम किया उन्होंने और उन्होंने भी बारी बारी से साफ सफाई में योगदान दिया, श्रमदान दिया और जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी अपना योगदान दिया और इसी तरह से भविष्य में किसी भी प्रकार का अगर सार्वजनिक काम किया जाता है तो सभी आपस में मिलकर अपना योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।